केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर मेहरबान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच नीतीश कुमार ने पेट्रोल पंप को खरीदने में उसके नियमों में काफी बदलाव किए हैं। जानिए हमारे साथ इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों पर चुनावी असर साफ साफ दिखा। 2, 4 या 10 नहीं बल्कि 25 एजेंडों पर मोहर लगाई है। इसमें SC ST पर साफ फोकस दिखाई दिया है। इसके अलावा कई क्षेत्रों के विकास का नया रास्ता भी दिखाया गया। बड़ी बात तो यह है कि अब पेट्रोल पंप जैसी सुविधा के लिए सरकार ने नियमों में बड़े बदलाव कर दिए हैं। नीतीश कैबिनेट ने पटना के सदर अंचल मसौढ़ी व फुलवारी शरीफ, गया के टिकारी डोभी और बैरागंज, नवादा के अकबरपुर, सुपौल के छातापुर, समस्तीपुर के विभूतिपुर और दरभंगा के बहादुरपुर मिलाकर कुल 10 जगहों पर 720 सिटिंग क्षमता के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण के लिए पैसे जारी किए हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर इन सभी 10 विद्यालयों में हर एक विद्यालय को इस मद से 46.7 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। तो वहीं एक अहम फैसले में कैबिनेट ने पटना महायोजना 2031 के क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य उच्च पथ के साथ न्यूनतम 30 मीटर चौड़ी सड़क से सटे भूखंडों पर पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन और अन्य मार्गीय सुविधाओं की अनुमति को स्वीकृत कर दिया है। 30 मीटर चौड़ी सड़क पर अनुमति के बाद इन सुविधाओं को शुरू करने की चाहत रखने वाले कारोबारियों के साथ स्वरोजगार से जुड़ने वाले युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेगा। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।